हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट डिबगिंग के बेसिक्स के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेब में आप देख सकते हैं रिजल्ट्स में 2A दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एक बग है कि ये एक्चुअली सिर्फ नंबर होना चाहिए, यहाँ एक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो डिबग करके देखेंगे कि यहाँ क्या बग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML फाइल है और यहाँ पर कस्टम द जेस में फंक्शन रन करके वहाँ पर उसको इधर क्वेरीज डॉम में मैं अपेंड कर रहा हूँ। ओके, सो चाहे यहाँ पर देखने के बजाय हम लोग इधर जाओ उसके डिबगर यूज़ करके पता करेंगे कि कैसे ये इधर किधर से बग इधर इंसर्ट हो रहा है। तो उसे देखने के लिए मैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये का क्रोम डेवलपर टूल्स यहाँ ओपन हो जाएगा। इसे आप सिंपली यहाँ पर राइट हैंड साइड में मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स में कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट आए दबा सकते हैं। ग्रेट, सो यहाँ सोर्स टैब में मैं आता हूँ। एलिमेंट्स टैब तो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर सोर्स टैब में आता हूँ। और सोर्स टैब में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इंडेक्स और HTML कस्टम डॉट जेएस। ऑलराइट, तो सिंपली आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ बहुत सारे फाइल हैं तो सिंपली कंट्रोल पी दबा के आप फाइल का नाम भी सर्च करके यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जैसे आप सबलाइम टेक्स्ट में करते हैं। ग्रेट, सो अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इनिट करके एक फंक्शन है जिसे मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक वेरिएबल है और वो यहाँ पर सब कैलकुलेशन हो रहा है, और जो रिजल्ट जो यहाँ पर स्टोर हो रहा है वो जो इनिट रिटर्न कर रहा है वो हम लोग डॉम में डाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इशू एसेंशियली इस फंक्शन में ही होगा बिकॉज वो इंटरनली दो अलग अलग फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो यहाँ पर स्टोर कर रहा है। तो डिबगिंग देख डालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ब्रेक पॉइंट सेट करना होता है। तो ब्रेक पॉइंट एसेंशियली ये है कि आप लोग हम लोग जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन वो होल्ड करते हैं और हम लोग देख सकते हैं कैसे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट डालता हूँ बिकॉज इनिट फंक्शन कॉल हो रहा है और मैं यहाँ पर रन करता हूँ। जैसे ही फंक्शन रन होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन में ये पॉज हो जाएगा। ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पॉज हो चुका है और यहाँ पर इस पर हिट हो रहा है। ग्रेट, और हम लोग इस पर होवर करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट इज़ नाउ अनडिफाइंड। वो इसलिए बिकॉज ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट अभी अनडिफाइंड है। राइट, और जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ हम लोग आप देख सकते हैं तीन चार यहाँ पर चार जो है बटन से जैसे और जिसे यूज़ करके हम लोग यहाँ पर स्टेप थ्रू डिबगिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये क्लिक करके अगर मैं रिज्यूम करूँ और राइट ये क्लिक कर दूँ आप देख सकते हैं रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ एक और ब्रेक पॉइंट होएगा वहाँ पर आके रुक जाए। अगर मैं यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट डालता हूँ और अब यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो मैं देख सकते हैं यहाँ रुक गया और रिज्यूम किया तो अब वो यहाँ रुक जाएगा। इस तरीके से वो एक एक ब्रेक पॉइंट के थ्रू जाता है। अब यहाँ कोई ब्रेक पॉइंट नहीं इसलिए वो रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक है, मैं यहाँ पर फिर से उसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन है, मतलब कि एक एक लाइन को हम लोग यहाँ पर डीबग कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी रिजल्ट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड नहीं है बिकॉज वो लाइन अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। ग्रेट, तो अब यहाँ स्टेप ओवर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो चुका है और रिजल्ट में वैल्यू स्टोर है। और मैं उसे इंस्पेक्ट करूँगा और राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 23 दिखाई दे रहा है। ग्रेट, मतलब अभी तक हमारा फंक्शन बराबर चल रहा है। और अगर मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ तो मैं इधर स्टेप नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूँगा और अभी रिज़ल्ट इंस्पेक्ट करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 23A दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो बग है वो कॉल सेम टू रिज़ल्ट फंक्शन में की वजह से आ रहा है बिकॉज वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और वो यहाँ स्टोर हो जा रहा है। राइट, और अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा और तो यहाँ पर ये फंक्शन एंड होएगा और अब मैं इसका स्टेप थ्रू करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, और मैं प्ले करके यहाँ देखूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं वो अभी रिज्यूम हो चुका है। तो इस स्टेप थ्रू डिबगिंग के ज़रिए हमें मालूम पड़ा कि कहाँ बग है। करेक्ट, लेकिन अभी यहाँ पर उस फंक्शन कॉल के अंदर जा करके देखते हैं कि क्या उस फंक्शन कॉल क्या कर रहा है और क्यों वो बग इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पर फिर रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो फिर से हॉल्ट हो चुका है। मैं नेक्स्ट पे चले जाता हूँ तो अभी मुझे जो है इस फंक्शन कॉल के अंदर जाना है। राइट, मेरे को यहाँ पर स्टेप ओवर नहीं कर रहा, अभी कैसे एक एक लाइन के ऊपर वो स्टेप ओवर कर रहा था। इस सेम वन के अंदर जाकर हमने नहीं देखे कि वो कैसे वर्क कर रहा, हम लोग सिंपली स्टेप ओवर किया, हमने उसको इग्नोर किया कि जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली यहाँ स्टोर होगा और वो हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन हमें अभी देखना है कि कॉल कैलकुलेट सेम टू रिजल्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पर टूल स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल का यूज़ करूँगा। मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंस्टेड वो स्टेप यहाँ पर रिजल्ट पे लाइन पे आने के बजाय वो कॉल सेम टू रिजल्ट फंक्शन में जा चुका है। और अगर मैं हम लोग उधर जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, इस वजह से वो बग इंट्रोड्यूस हो रहा था।
अभी मैं यहाँ पर स्टेप और करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं फंक्शन कॉल ख़त्म हो चुका है, और फिर उसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं वो रिजल्ट इधर आ गया इस नेक्स्ट लाइन पे, राइट, बिकॉज ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये लाइन है, तो उसने उसे मेक श्योर किया जावास्क्रिप्ट में कि ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये लाइन पर आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्टेप ओवर और स्टेप इनटू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जैसे स्टेप इनटू जा रहा है तो हम लोग स्टेप वैसे बाहर आ सकते हैं इसे यूज़ करके। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना हूँ कि यहाँ पर कॉल स्टैक होता है, तो कॉल स्टैक हमें एसेंशियली बताता है कि यू नो सम एनी पॉइंट इन टाइम कौन सा फंक्शन कॉल यहाँ पर हो रहा है और कैसे वो इस फंक्शन कॉल तक आया है। ऑलराइट, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर यहाँ डिबगर डाल दूँ इस कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन के अंदर, और इसे यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा और फिर मैं उसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो हॉल्ट हो चुका है। और यहाँ कॉल स्टैक में आप देखेंगे कि ये फंक्शन कॉल होने तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मतलब कौन कौन से फंक्शन को कॉल हुआ है और यहाँ पर ये फंक्शन तक ये कॉल हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं सेम टू रिजल्ट कॉल जो है इनिट फंक्शन से हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं इनिट फंक्शन है, और अब मैं एनएनएस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं वो यहाँ से कॉल हुआ। तो इस तरीके से आप स्टेप थ्रू कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते कौन कौन से ये फंक्शन कॉल होने तक क्या क्या कौन से फंक्शन कॉल इधर हुए हैं, और ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉल स्टैक जिसे हम लोग कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जो है इस ब्रेक पॉइंट को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पर डॉम एलिमेंट्स को डिबग करना सीखेंगे और वॉच फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीखने वाले। बाय।